आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइटरूम के दो कलर ग्रेडिंग सीक्रेट टूल को यूज़ करके कुछ इस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट जी मॉन्स्टर, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है स्नैपसीड के अंदर। स्नैपसीड में ओपन करने के बाद आपको जाना है टूल पे और यहाँ पे हीलिंग पे। हीलिंग पे जाके आपको अपने फेस पे पिंपल वगैरह जो है उन सबको रिमूव कर देना, टैप टैप करके जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हमारा ये हो गया यहाँ पे क्लियर। इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जाना है हमें लाइट रूम वाले ऐप में। यहाँ पे जाके हमको ये फ़ोटो को एडिट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद वो फ़ोटो कहाँ है, ये वो फ़ोटो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट करेक्शन को कर लेंगे। लाइट करेक्शन करने के लिए देखते क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है मेरे को, कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ मैं। उसके बाद हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। शेडोज में देखता हूँ, शेडो हल्का सा कम कर रहा हूँ। वाइट ज़्यादा दिख रहा है तो वाइट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ब्लैक हल्का सा ब्लैक भी कम करता हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा खेल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इस वाले टूल में। आपको जाना है कलर के लिए, ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे। तो आपकी जो स्किन का कलर सबसे पहले जो आता है वो या तो रेड होता है या तो ऑरेंज होता है, ये दोनों में से कोई एक होता है। तो आप देख लेना इसमें से कौन सा जा रहा है आपकी स्किन के हिसाब से। तो रेड तो नहीं है मेरी स्किन के हिसाब से, तो ये है ऑरेंज है मेरी स्किन से। स्किन के हिसाब से ऑरेंज आ रहा तो इसको इस तरीके से रख लेंगे। ये हो गया ऑरेंज। ये देखो यहाँ पे फेस पे ग्लो आ गया, हर जगह पे ग्लो आ गया। अब ठीक है। ये येलो वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट। अगर आपको अपनी ग्रीनरी ग्रास वगैरह या पेड़ पौधों को ब्लैक करना है, सबसे मेन पार्ट जो आता है आपका येलो और ग्रीन का, तो आपको कर लेना है क्या कि आपको करना है इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल कम, 0 पे कर देना है, -100। ग्रीन को भी बिल्कुल कम कर देना है। देखो एक ये दो स्टेप पे आपका पूरा ग्रीन पार्ट गायब हो गया है। इसके बाद आप चाहो तो ये आगे की छेड़छाड़ कर सकते हो, मुझे कुछ खास करनी नहीं इसमें। ये देख लेता हूँ इसमें कुछ है क्या करने के लिए। हाँ तो मुझे ये सही लग रहा है, तो बाकी सब मैं रहने देता हूँ ऐसे ही, कुछ करता नहीं हूँ। उसके बाद जाना है हमको कलर ग्रेडिंग वाले इस ऑप्शन में। यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा शेडो के लिए हमारे हिसाब से जो जाएगा, मेरे ख्याल से ब्लू ही जाएगा, तो फिर मैं ब्लू को रख रहा हूँ इधर पे। सैचुरेशन थोड़ा सा कम करता हूँ। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, मिड टोन पे देखते हैं, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाते हैं। ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, सैचुरेशन थोड़ा सा कम। हाँ ये सही है। हाईलाइट पे देख लेते क्या है, थोड़ा सैचुरेशन बनाएंगे। फिर ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, सैचुरेशन इसको कम कर देता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ। उसके बाद इधर जाएंगे टेक्सचर क्लैरिटी को मैं हल्का सा टेक्सचर बढ़ा दूँगा। विग्नेट को मैं कम कर दूँगा थोड़ा सा। और मिड पॉइंट बढ़ा देंगे। फेदरिंग थोड़ी सी कर देंगे, हाँ राउंडनेस को थोड़ा सा माइनस पे। अब जाते हैं शार्पनिंग के लिए, शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे यार। मास्किंग के लिए आपको तो पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया कि मास्किंग के लिए आप अगर चाहो तो दो उंगली का यूज़ करके मास्किंग को अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये हो गया मास्किंग का काम मेरा, शार्पनेस बढ़ गई, मास्किंग हो गई। नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कलर नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना काम हो गया पूरा कंप्लीट। आपको मैं दिखाता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर का ये रिज़ल्ट है।
देख सकते हो आप कैसे फ़ोटो बनी है, फेस पे भी एकदम ग्लो अच्छा वाला आ रहा है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो हमारा काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, एडिट हमारी कंप्लीट है।